हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर आपने इन रूल्स को पढ़ लिया तो काफी आपको हेल्प मिलेगी एरर फाइंडिंग में. वन ऑफ, देखिए यहाँ पर है हमारा वन ऑफ ऑलवेज टेक इन प्लूरल नाउन आफ्टर इट. कुछ शब्द है माइंड में बैठा लिए, जैसे कि अ ग्रेट मैनी. अ ग्रेट मैनी के साथ ये जो हमने इससे पहले वाले लेसन में डिस्कस किया था, अ ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है. ये बिल्कुल माइंड में रिवाइज करते जाइए जब तक आपको लर्न ना हो जाए. वन ऑफ ऑलवेज टेक अ प्लूरल नाउन आफ्टर इट. देखिए, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ. इट इज, अब इन्होंने कहा है प्लूरल नाउन लेना है. अगर वन आ रहा है, वन ऑफ आ रहा है, तो नाउन कैसा होगा हमारा? प्लूरल होगा. आफ्टर इट, अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रयोग किया गया इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ. अब यहां पर क्या मिस्टेक आ रही है? इन्होंने कहा नाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा, ना कि वर्ब कहा है. मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा वर्ब तुम्हारा सिंगुलर रहेगा क्योंकि वन आ रहा है, तो वन के साथ हमारा सिंगुलर ही आएगा. तो इट इज वन ऑफ द, अब नाउन की बात की गई है. नाउन यहाँ पर किस चीज के बारे में बात करें? जिस चीज के बारे में हम बात करें वो हमारा नाउन हो जाएगा. यहाँ पर हम महत्वपूर्ण दिनों की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट डे है यहाँ पर, और जो कि होना चाहिए इम्पोर्टेंट डेज. इट इज, अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इज है तो यहाँ पर डे ही आना चाहिए, डेज क्यों आया? अगर डेज है तो यहाँ पर आर आना चाहिए. नहीं, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ है, और वन ऑफ अगर दे रखा है सेंटेंस में तो हमें वन ऑफ के साथ प्रयोग करना होता है प्लूरल नाउन. तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज इन माई लाइफ. यही चीजें हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल जो स्कूल वाले अगर हमें रूल्स लर्न है कि इसके साथ सिंगुलर के साथ लाइक क्रिया हमारी वैसी आएगी या प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक है ग्रामर के, उनके अकॉर्डिंग हमें चीजों को फॉलो करना है. आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5, यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो. जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्लोज टेस्ट में भी आता है, एरर में भी आता है. राम इज ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट. राम ना केवल हैंडसम है बल्कि बुद्धिमान भी है. हियर वन पर्सन टू क्वालिटी. अगर हम यहाँ पर देखें, हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, मगर ये दोनों खूबियां किस में है? राम में. राम ना केवल हैंडसम है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है, ठीक है. ये हमारा है नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान इज पुअर. एग्जाम्पल है, दिल पे मत लीजिएगा, हियर टू पर्सन कॉमन क्वालिटी. यहां पर दो पर्सन है, इंडिया एंड पाकिस्तान. कॉमन क्वालिटी क्या है? पुअर, ठीक है. ना केवल इंडिया बल्कि पाकिस्तान भी गरीब है. यहां पर चीजों को इस तरीके से खाली एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है. व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट. देखिए, लर्न करने वाली हमारी चीज ये है, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट. जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकेंड सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये है, सेकेंड सब्जेक्ट हमारा ये है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ जाते एग्जाम्पल, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर आर प्लेइंग. अब यहाँ पे क्या कहा गया? नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो क्रिया होगी, क्रिया के बारे में कहा गया है, वर्ब सेकेंड के अकॉर्डिंग होगा, सेकेंड सब्जेक्ट. तो पहला सब्जेक्ट हमारा है विद्यार्थी, स्टूडेंट. दूसरे हमारा सब्जेक्ट है टीचर, द टीचर, द स्टूडेंट का प्रयोग किया जा रहा है. तो करेक्ट हमारा क्या होगा? द टीचर है, टीचर्स के बारे में नहीं कहा जा रहा है, द लगा हुआ है. स्पेसिफिक किसी टीचर को, एक ही टीचर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, द स्टूडेंट. तो यहां पर जो हमारा आएगा, ना कि आर आएगा, यहां पर आएगा इज, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट में हमारा द टीचर है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा. ही एट नॉट ओनली बनाना बट ऑल्सो एप्पल.
उसने ना केवल बनाना खाया बल्कि एप्पल भी खाया। यहाँ पर आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He not only comes for swimming, but also for coaching the learners. देखिए द लग जाता है तो स्पेसिफिक हम किसी एक ही चीज पर पॉइंट ऑफ करते हैं। He comes not only for swimming, but also for coaching the learner. यहाँ पर आपको देखिए क्या चेंजेस मिला, ये इनकरेक्ट क्यों है, ये करेक्ट क्यों है। अब यहाँ पर ही कम्स नॉट ओनली, ये इस तरीके से आएगा। देखिए ही कम्स, आप जो है, जो आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, कि वो आया कि नहीं आया, तो वो ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट दिस वन है, ना कि ये। यहाँ पर ही के बाद तुरंत क्या दे दिया है, नॉट ओनली। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा रूल्स है। यहाँ पर रूल्स हमारा कहता है स्कैसली या हार्डली आर फॉलोड बाई वेन एंड नॉट बाई देन। यहाँ पर कहा गया है अगर टेंस में, अगर वाक्य में स्कैसली या हार्डली शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉलोड बाई वेन नॉट बाई देन। देन का नहीं वेन का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैड स्कैसली एंटर द रूम वेन द फोन रैंग। अब यहाँ पर देखिएगा I had scarcely entered कमरे में गया when the phone rang। अब यहाँ पे hardly की बात करें, hardly, had he seen his father when he stopped smoking, hardly had he seen his father when he stopped smoking। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करें, फॉलोड बाई वेन नॉट बाई देन। स्कैसली हैड ही एंटर्ड द रूम वेन द लाइट केम। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल वेन इट बिगन टू रेन। अब देखिए यहाँ पर सब जगह हमें किसका प्रयोग करना है, वेन का प्रयोग करना है, नॉट बाई देन, देन का नहीं। इन शब्दों के साथ माइंड में रख लीजिएगा, इन शब्दों के साथ अगर किसका प्रयोग आ रहा है, देन का आ रहा है, देन हमारा वो रॉन्गली होगा, करेक्ट हमारा क्या है, वेन आएगा। नेक्स्ट रूल्स, थ्रू इज फॉलोड बाय येट एंड नॉट बाय बट। अगर यहाँ पर थ्रू का शब्द किया प्रयोग किया गया है सेंटेंस में तो हमें उसके साथ येट का प्रयोग करना है, बट अगर आएगा तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थ्रू ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है किंतु वो ईमानदार है, हमारा गलत हो गया, किंतु हमें नहीं ये करना है, येट। थ्रू ही इज प्योर येट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर इस शब्द के साथ किसका कॉम्बिनेशन आएगा, थ्रो के साथ येट का आएगा। ऑल दो ही इज रिच येट ही इज मीज। अब आपने क्या देखा, अच्छा येट तो दे रखा है, ओके येट आना चाहिए, येट तो दे रखा है, करेक्ट नहीं, मगर यहाँ पे ऑल दो दे रखा है, यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना था, तो टी एच ओ यू जी एच का प्रयोग करना था, दो का प्रयोग करना था, दो ही इज लैम। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा क्या है, इसके साथ हमें ही येट का ही प्रयोग करना है और किसी का नहीं करना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 8, नो सूनर इज फॉलोड बाई देन। नेक्स्ट रूल हमारा बताता है नो सूनर के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है, देन का प्रयोग करना है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नो सूनर के साथ देन आ रहा है और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्कैटली एंड हार्डली के साथ वेन आता है ना कि देन। देखिए रूल्स को अगर माइंड में रिकॉल करते रहेंगे तो कभी भी आपके जो सेंटेंस है गलत नहीं होंगे, क्योंकि गलत वहां पर होता है जहां पर हम चीजों को भूल जाते हैं। भूलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है सिलेक्शन के मामले में। अगर आप भूले तो मतलब कि आपने खुद अपना सिलेक्शन पे रोक लगाई है,
आपको चीजों को इतना रिवाइज करना है, इतना उसको प्रैक्टिस करना है, जो मोस्टली सभी लोग कर रहे हैं कि चीजों को प्रायोरिटी पर नहीं लेते हैं, पढ़ लिया हो गया, वो आपको नहीं काम करना है। आपको सिलेक्शन लेना है, कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। और डिफरेंट कब होगा? जब आप चीजों को अच्छी तरीके से पढ़कर रिविजन करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। कितना टाइम लगेगा हमें चीजों को, अभी हमने पढ़ा ध्यान से, और पढ़ने का मतलब नहीं है कान में रीड लगाई है पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। अगर आप किसी एक वीडियो को सुन रहे हैं या किसी भी बुक से आप चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आप 10-15 मिनट ध्यान से अगर उसको पढ़ोगे, माइंड में हर एक चीज को आप इमेज छापते जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको भूलोगे बार बार। ठीक है, एक दो बार थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, फिर आपने उसको रिवाइज किया, देन आप ट्रैक पे आ जाएंगे। और जब एक बार ये हैबिट पड़ जाती है ध्यान से पढ़कर लर्न करने का, तो उन चीजों को हम नहीं भूलते। बहुत से लोग होते हैं हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो हैं मगर उस समय आपका ध्यान इधर उधर जाता है। आपको जितनी भी देर आप पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़िए, पूरा आपका माइंड स्टडी पर फोकस करना चाहिए, कोई भी चीज नहीं सोचना चाहिए। मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका उसी में होना चाहिए, बीच बीच में क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या चल रहा है, वो आपको अगर आप चेक कर रहे हैं, मतलब कि आपका माइंड आपके माइंड आपके बस में नहीं है। अपने माइंड को अपने बस में करिए, चीजों पर फोकस करिए। बस हर बार ये सोचते जाइए, जब भी आप कुछ चीजों से हट जाते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ गए या फ्रेंड से चैट करने लगे, तो नहीं, अभी मेरा करियर का सवाल है, 2-3 महीने की बात है, एक बार मैंने मेहनत कर ली तो बस जॉब मेरे हाथ में है, फिर तो ये सब मेरे पीछे होंगे। अगर इस तरीके से चीजों को आपने सोच कर अपना डायरेक्शन, जो अपना गोल है, वो डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है, और चीजों को आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, खुद से सोचना होगा, तभी आप चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा 8 नंबर रूल में, नो सुनर के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है, देन का प्रयोग करना होता है। नो सुनर हैड आई एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट स्टॉप अप, करेक्ट। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, देन का प्रयोग हुआ है। देखिए जहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर सही एग्जांपल आपके दिए गए हैं। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्टेड ट्रेनिंग। नो सूनर डिड आई से माय फादर देन आई स्टॉप स्मोकिंग। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से हमें किस चीज के साथ किस शब्द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पार्ट में और बहुत से रूल्स हैं जो हमें आपके साथ शेयर करने हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। अब पर यहाँ के जो आज का जो हमारा सेशन है, आप सभी को मालूम है कंजंक्शन रिलेटेड है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रूल्स और उनको याद भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंजंक्शन रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट रूल्स हैं, जिसमें हमारा 9th रूल है। ऑलरेडी हम 8th रूल तक डिस्कस कर चुके हैं। 9th रूल है लीस्ट मस्ट बी फॉलो बाई शुड। देखिए यहाँ पर जो शब्द है उनका प्रयोग किन के साथ किया जाता है वो आपको माइंड में रखना है। LEST अगर वाक्य में दे रखा है तो उसके साथ शुड ही आएगा। रीड रेगुलर लीस्ट यू विल फेल। देखिए विल का प्रयोग किया गया है जो कि हमारा इनकरेक्ट है। ऑलरेडी उन्होंने कहा है शुड का प्रयोग होना है, तो रीड रेगुलरली लिस्ट यू शुड फेल, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर हमारा LEST के साथ SHOULD ही आएगा। रन विथ केयर लिस्ट यू शुड फेल। देखिए फॉल, रन विथ केयर, सही से आप दौड़िए, लिस्ट यू शुड फॉल, वरना आप क्या हो सकते हो या आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, गिर सकते हो। 10th हमारा रूल बताता है सच, SUCH के साथ S का प्रयोग किया जाता है, AS। Such a boy as I know is at the party. Such a boy as, अब देखिए यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए करेक्ट हैं। जहां पर करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है वहां पर मतलब आपको बताया गया है कि इस तरीके से अगर आता है तो वो हमारे लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें इस तरीके से करना है। यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल हमारे लिए सही है क्योंकि सच के साथ क्या लगा हुआ है, एज का ही प्रयोग किया गया है। ही इज सच अ राइटर एज एवरीबडी शुड रीड हिज बुक। ही इज सच अ राइटर एज एवरीबडी शुड रीड हिज बुक।
प्लीज के साथ शुड, सच के साथ एज, ठीक है। बाकी जो हमने इससे पहले रूल्स हैं उनको भी माइंड में जितना आप रिकॉल कर सकते हैं उतना रिकॉल कर लिया, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल्स नंबर 11। ऑलरेडी 9-10 हमने दो रूल्स कंप्लीट कर लिए, 11 पे सो इज फॉलोड बाय दैट, सो के साथ हमें दैट का प्रयोग करना है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये वह इतना वीक है कि वह चल नहीं सकता है। ऑलरेडी दोनों करेक्ट है इसलिए यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिखा है। ही इज सो वीक, बहुत कमजोर है, बहुत चल नहीं सकता है, किस कारण, क्योंकि वो बहुत वीक है। ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, वो इतना सुंदर है कि प्रत्येक लड़की उसे शादी करने के लिए तैयार रहती है, या हर लड़की उसे शादी करने को तैयार रहती है। चले यही सही आपके लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ही इज सो ब्यूटिफुल, सॉरी हैंडसम, एंड दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। अब यहाँ पर सो के साथ मेन है, हमें एग्जाम्पल नहीं रटनी, हमें रूल्स रटने हैं। एग्जाम्पल तो आपको खाली बताने के लिए, अगर सो आ रहा है तो यहाँ पर देखिए दैट ही आएगा। अगर देन वेन दे रखा है कि वह बहुत हैंडसम है, देन या वेन इस तरीके से या कुछ और शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर दैट ही आएगा। अनलेस एक्सप्रेस कंडीशन, अनलेस क्या होता है, वो कंडीशन को प्रेजेंट करता है। इट इज यूज इन द नेगेटिव, अनलेस जो होता है नेगेटिव हमें चीजों को बताता है। दस नॉट इज नेवर यूज्ड विद अनलेस, देखिए अनलेस खुद नेगेटिव चीजों को बता रहा है तो अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो अनलेस क्या है, हमारा खुद जो कंडीशन बता रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है कंडीशन को, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर अनलेस के साथ नॉट दे रखा है तो नॉट गलत है, क्योंकि ऑलरेडी अनलेस में नॉट आ रहा है। अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड, देखिए पढ़ने में ही इस तरीके के अगर आप सेंटेंस को देखें पढ़ने में खुद ही इनकरेक्ट लगते हैं। अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, अब अनलेस के साथ हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना, आपको यहाँ पर तो एक और सेंटेंस एड हो गया ना, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, अगर तुमने परिश्रम नहीं किया कठिन तो तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू लेबर हार्ड, आप कठिन श्रम करिए, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे। तो अनलेस में खुद ही आ गया आपका नॉट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 13, अनटिल एक्सप्रेस टाइम। अनटिल देखिए अनलेस जो होता है वो नेगेटिव ऑलरेडी कंडीशन हमारा प्रेजेंट करता है, अनटिल टाइम, अनटिल टाइम को प्रेजेंट करता है, इट हैज अ नेगेटिव सेंस एंड दस नॉट शुड नेवर बी यूज्ड विद इट, वेट हियर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न, यहाँ पर रुको जब तक मैं आ ना जाऊं। अनटिल यहाँ पर देखिए अनलेस और अनटिल नेगेटिव सेंस प्रेजेंट करते हैं, इनके साथ हमें अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। अनलेस हमारा कंडीशन बताता है, अनटिल हमारा टाइम को प्रेजेंट करता है। तो वेट हियर अनटिल आई डू नॉट रिटर्न इनकरेक्ट है, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, अनटिल आई रिटर्न करेक्ट है, कहते नहीं यहाँ पर रुको जब तक मैं ना आ जाऊं। ना का मतलब ये नहीं है कि नो, यहाँ पर ना का है अनटिल। सिंस इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो आपने जब टेंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा सिंस ऑफ आर का प्रयोग। सिंस हमारा बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और फॉर स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, हमारा पर्टिकुलर टाइम सेट है। अगर हम फॉर की बात करें, हमें मालूम है हमने 2 घंटे बुक को पढ़ा, 2 आवर्स स्पेसिफिक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे लास्ट से हो रही है बारिश, काफी लॉन्ग समय से हो रही है। देखिए मंडे लास्ट देखिए यहाँ पर जो होते हैं वीक के मंथ के जो पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं सिंस,
यहाँ पर बड़ी गोला 2, 3, 4 यहाँ पर क्या दे रखा होता है, लेंथ ऑफ टाइम ऑलरेडी दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मालूम है 2 घंटे। अब कौन से 2 घंटे ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट हमारा 15 आ गया, आज इफ इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ प्रीटेंशन, प्रीटेंशन। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं एज इफ इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ प्रीटेंशन। व्हेन एज इफ इज यूज इन द सेंस, अगर हम एज इफ का प्रयोग सेंस में कर रहे हैं, वी डब्ल्यू ई आर ई इज यूज इन ऑल केसेस इवन विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ही बिहेव एज इफ, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो कोई राजा हो। उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज किंग, कि वो कोई राजा था। और यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट क्यों आया, ही बिहेव्स एज इफ इतना सही है, ठीक है। ही वर अ किंग, यहाँ पर वर आएगा ना कि वॉज। अब वर क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दरका है, एज इफ अगर यूज किया जा रहा है सेंस के मामले में, देखिए सेंस, उसने कहा कि वो ऐसे तरीके से बिहेव कर रहा, उसने बिहेवियर आ रहा है ना, और यहाँ पर सेंस की बात की जा रही है, तो वहां पे हमें वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रूल्स नंबर 16 क्या बताता है, बोथ इज फॉलोड बाई एंड नॉट एज वेल एज। अगर बोथ दे रखा है तो उसके साथ हमें एंड लगाना है, एज वेल नहीं लगाना है। राम इज बोथ टॉल एज वेल एज हैंडसम नहीं आएगा, एंड हैंडसम। राम इज बोथ, राम में दोनों चीजें हैं, दोनों खूबियां हैं, वो लंबा भी है और सुंदर भी है। तो यहाँ पर ये हम अगर लिखा हुआ है राम इज बोथ टॉल एज वेल एज हैंडसम, देन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर एंड ही आएगा। इसके बाद रूल नंबर 17, यूज ऑफ सिंस बिकॉज फॉर एंड एज। यहाँ पर हम रूल नंबर 17 में देखेंगे प्रयोग सिंस का, बिकॉज का, फॉर का और एज का। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन अ ईयर सिंस आई सॉ हिम, एक साल हो चुका है। देखिए इट हैज बीन अ ईयर, अ ईयर की बात की गई है, सिंस आई सॉ हिम। सिंस ही इज माई फादर आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई फादर। देखिए ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप किसका प्रयोग है, बिकॉज मैं उनकी उनका सम्मान इसलिए करता हूँ या करती हूँ क्योंकि वो मेरे फादर हैं। एज ही इज माई नेबर आई रिस्पेक्ट हिम, एज ही इज माई नेबर आई रिस्पेक्ट हिम। एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ही डिड नॉट ईट एनी थिंग, एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा नहीं फील कर रहे थे या अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। इसके बाद हमारा आता है और इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव। और या तो आप ये करो या तो आप ये करो, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहां पर और का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ऑप्शन होता है। तो आपको ये, अब आपको इसमें क्या रूल है, इसमें ये रूल है कि अगर आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो और वहां पे अगर ऑप्शन की बात की जा रही है, तो वहां पर हमारा और ही प्रयोग होगा, ना कि वर्ड यट एंड इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। डू और डाई, करो या मरो, ये जो हमारा टाइम है प्रिपरेशन का है, तो यहाँ पे हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करेंगे तो जॉब मिलेगी। तो ये कैसा टाइम है, डू और डाई, करने मरने का, मरने का मतलब ये नहीं मर जाना, मरने का मतलब है कि काम में लग जाना, ठीक है। ये तो खैर आपका नारा है जो कि डू एंड डाई दिया गया था हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब यहाँ पर आपका मतलब कि करो या मरो, इस तरीके से ये आपका क्या है, और का ऑप्शन है, या तो कर लो या फिर आप पीछे हट जाओ। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप और देखें, यू मस्ट हर्ड और नाइट विल ओवरटेक अस, इस तरीके के आप देख सकते हैं प्रयोग का। यू मे स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ही मे इंटर इनटू ट्रेड। यू मे स्टडी, आपको पढ़ना होगा या पढ़ना चाहिए फिजिक्स
पढ़ लो, या तो केमिस्ट्री पढ़ लो, या देखिए ऑप्शन आ रहे हैं अल्टर, इनमें से कुछ भी पढ़ लो, और यू में एंटर इनटू ट्रेड, और आप किस में चले जाओ, किस में एंटर कर लो, ट्रेड में कर लो। इस तरीके से जहां पर ऑप्शन दे रखे हो, अल्टरनेटिव हो, या तो ये करो या तो ये करो, देन वहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग और का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 19, व्हाइल इज यूज टू मीन, व्हाइल डब्ल्यू एच आई हम यूज करते हैं किसके लिए, मीन के लिए, ड्यूरिंग द टाइम दैट एज लॉन्ग एज, ड्यूरिंग द टाइम एज लॉन्ग एज व्हाइल देयर इज होप देयर इज लाइफ, व्हाइल there is hope there is life, while he is sleeping, while he was sleeping an enemy entered in the house, while जब वो सो रहा था तब एक शत्रु उसके घर में घुस गया, ठीक है। mean, while is used to mean, at the same time that the girl sang while the boy dance। तो यहाँ पर आपको देखना है किन शब्दों का प्रयोग हम किस तरीके से इस टेंस में कर रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रूल्स क्या कहता है, ओनली एज अ कंजंक्शन मीन्स एक्सपेक्ट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अ वेरी प्रिटी वुमेन ओनली सी, देखिए यहाँ पर ओनली का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ओनली एज अ कंजंक्शन मीन्स एक्सेप्ट दैट। तो अगर आपके माइंड में ये सारे टूल सेट हो गए हैं तो आप एरर फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसके साथ कौन सा शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। अगर आपने ये सब लर्न कर लिया, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, A4 साइज पेपर में लिखिए, अपना छोटा सा पेपर बनाइए, उसको पॉकेट में रख के कैरी करिए, टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए।